कोई बात नहीं, चलिए अभी थोड़ा सा ना एक हफ्ता हम थोड़ा सा डिले होगा हमको 5-10 मिनट। ओके कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके करने की, बट थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया है एक हफ्ते के लिए। ओके तो अब ज़्यादा तो कुछ है नहीं, आई थिंक आज के सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ। बेल्ट लगाना है, बेल्ट लगाने के बाद तो हुक वगैरह वगैरह लगाना सीखेंगे, हुक कैसे अटैच करते हैं। ओके। और उसके बाद आयरनिंग। ओके ओके तो ज़्यादा तो कुछ इसमें डिले हम लोगों को है नहीं, बस ये कैमरा सेट कर लेते हैं और फिर हम लोग स्टिचिंग पे ही आते हैं। ओके स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। स्टिचिंग वाली भी? हाँ जी दोनों। चलो ओके तो ये देख लीजिए कि वेस्ट पैंट जो ना अभी देख लो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको लंबा होना चाहिए था, बट चलिए इसको थोड़ा इधर से ही छोटा कर लेंगे पीछे की तरफ से। ओके थोड़ा सा 1 इंच और लंबा होना चाहिए था। चलिए खैर कोई नहीं, चलते हैं सिलाई मशीन पे। अच्छा ये देख ले हम लोग समझ लें कि ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, यहाँ पर हुक लगेगा और यहाँ पर हुक जिसमें अटकाते हैं वो लगेगा। हाँ, ठीक है हाँ, आई लगेगा। सर ये वेस्ट बैंड टोटल वेस्ट प्लस कितना आप बोले थे उस दिन? टोटल वेस्ट से हम लोग 5-6 इंच ज्यादा लिए थे। हाँ ओके ओके अभी थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना है, आयरन गर्म हो रहा है। हाँ ये हम लोग कल नहीं किए थे। सर आप शेपिंग दे रहे हैं क्या इसको? हाँ हल्का सा वेस्ट बैंड में शेपिंग। अच्छा। जरूरी होती है, हल्का सा कर्व दे देंगे ना तो फिर अच्छे से फिट बैठेगा। उधर की गर्मी कैसी है? यहाँ तो बहुत गर्मी है सर, बहुत गर्मी है, मगर यहाँ 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी तो इस वजह से टॉलरेबल है, मगर फिर भी गर्मी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कभी कभी। मगर आपके नॉर्थ से कंपेयर करने से यहाँ थोड़ा बेहतर है। यहाँ तो काफी दिन से बारिश नहीं हुई है, एकदम कभी कभी सिर में दर्द हो जाता है एकदम। हाँ सर मैं सुनी हूँ वहाँ काफी लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है वहाँ पे दिल्ली वगैरह में। वहाँ भी बारिश आते आते अगस्त हो जाएगा ना सर, अगस्त में होगी तो, बट अभी अभी जरूरत तो अभी बहुत ज्यादा है बारिश की। हाँ
चलिए, हल्का सा कर्व देना है, बहुत ज्यादा कर्व देने से भी दिक्कत आ जाएगी। जी, चलिए हो गया। करना कुछ नहीं है, बस हाफ इंच पर लगा के रखिए। और ये जो फ्यूजिंग है ना, फ्यूजिंग से हाफ ब्लॉक दूर हट करके सिलाई कीजिएगा, एकदम सटा करके सिलाई नहीं करना है। जी, उसमें फोल्डिंग में इशू आती है, फिर फोल्ड सही से नहीं हो पाता है। अरे सर, पैंट के बाद हम क्या करने वाले हैं क्लास? पैंट के बाद जी टॉर्सो करने का था। हाँ, टॉर्सो में कुछ तो बताना था, बताना था हमको, बुक बस्टियर वगैरह, और उसके बाद फिर आप बताइए, जैकेट वैकेट बच रहा है अब उसके? हाँ, बीच में और कुछ कोट करना है। बीच में और कुछ रहता है तो करना हो तो बताइए, कुछ और हो तो। एक मिनट, पता नहीं क्या गड़बड़ा गया। लाइट जलाएं कि लाइट छोड़ दें, ऑफ कर दें? लाइट ऑफ कर दीजिए, वो दिखता नहीं है सही से। हाँ ठीक है। यहाँ पर भी एक ऊपर से लाइट लगवा देंगे हम। सिलाई जी ये जो अब एक्स्ट्रा है इसको काट के हटा देंगे हम लोग। हाँ, बाद में हटाते हैं, पहले इसको जरा सिलाई कर ले। अच्छा, एक चीज़ ये करना है कि ये जब बेल्ट आपने लगा दिया है ना, तो बेल्ट को ऐसे खोल करके, जिप को थोड़ा आधा लगा के बराबर करके, इस पार्ट पे भी मार्किंग कर लीजिए। ओके,
हो सकता हो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी है कि यहीं से स्टार्ट हो ताकि दोनों का बेल्ट का ये मैच करे, वेस्ट बैंड का। हाँ अब ये जो भी एक्स्ट्रा है जिप वाला पार्ट, इसको काट के हटा देंगे। ये मैच कर रहा है, ये मैच करना चाहिए सेम पॉइंट पर। ओके, अब बाकी सिलाई से पहले हम लोग ना हुक वगैरह लगा लेते हैं। ये पार्ट ध्यान से पहले सामने से देख लीजिए, ये पार्ट ऊपर का है, ये नीचे का है। नीचे वाले पार्ट पे भी काम कर रहे हैं। नीचे वाले हिस्से को हम लोग अच्छे से पहले आयरन करके बैठा लीजिए और इसको पूरा का पूरा इधर फोल्ड कर दीजिए, बिल्कुल इससे स्ट्रेट करके। ओके Okay. अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, सब फोल्ड उल्ड करके हाँ, लगाते हैं ना, सर? तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा हो जा रहा है सर, ये बीच में, इसमें क्या करेंगे सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है आपके वहाँ पे, थोड़ा सा काट ठीक है क्या वाईफाई? हटा देते हैं। हेलो, थोड़ा सा हो सकता है वाईफाई का इशू हो। तो आप जो बीच में बोले है ना वो मोटा, और उसके बाद मैं सुनी नहीं, एक बार और बताइएगा। आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है सर। ओके, तो इसको पूरा फोल्ड करने तक हम लोग समझ लिए थे? हाँ, यस। ठीक है, अभी क्या है कि ये पोर्शन में बहुत ज्यादा बल्ज क्रिएट हो रहा है। हाँ। एक फैब्रिक, दो फैब्रिक प्लस डबल फ्यूजिंग, बहुत ज्यादा फैक्टिक हो रहा है ये। तो इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए क्या करेंगे कि ये लाइनिंग वाला पार्ट
इस तरह से काट के निकाल देंगे। ओके ओके हाँ और फिर इसको लगाएंगे तो अब ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ओके अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हल्का सा फोल्ड करना है अंदर की तरफ, हाँ थोड़ा सा, हाफ इंच या 3 ब्लॉक्स लगभग, ताकि ये फिनिश हो जाए। ओके हाँ। का जो फ्यूजिंग है वो उतना सा काट के हटा सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। मुश्किल हो रही है लेकिन चलिए उखड़ गया। बस इस एरिया का 3 ब्लॉक जितना हम लोग फोल्ड कर रहे हैं ना उतना हाँ। सा काट के हटा देंगे ताकि यू नो बल्ज ज्यादा क्रिएट ना हो, और क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पर सिलाई भी करनी है तो थोड़ा सिलाई अच्छे से हो जाए। ये अब पतला हो गया है तो इसको अच्छे से फोल्ड किया जा सकता है, इसको पूरा अच्छे से आप ऊपर की तरफ कर दीजिए और ये पेस्ट कर दीजिए। ओके अब दूसरी तरफ आते हैं। ये हमारा 2.5 इंच तक बाहर जाएगा इधर से। ओके 2.5 इंचेस और ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ओके टू पॉइंट फाइव इंचेस से थोड़ा सा कम ही कर रहे हैं, वैसे 2.5 इंचेस एक सही में आप मेजरमेंट है, आप उसी को रखिए। ये हो गया। इस केस में हम लोग यहाँ का कोई फ्यूजिंग व्यूजिंग अभी फैब्रिक वैब्रिक नहीं हटा रहे हैं और इस पार्ट को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ फिनिश कर देंगे ताकि ये हो जाए फिनिश, मतलब फ्रेजेस ना दिखाई दे। हाँ। आप इस फोल्डिंग पार्ट का भी चाहिए तो ये निकाल दीजिए, फ्यूजिंग काट के निकाल दीजिए जैसे कि उधर का निकाले थे। ठीक है ओके। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये पार्ट भी थोड़ा सा अभी बल्की लग रहा है तो इस पार्ट को भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इसमें भी हम इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिमूव कर दे रहे हैं लाइनिंग। ओके बहुत मोटा हो रहा है यहाँ पर और उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी सिलाई विलाई में। ओके हाँ अब ये ठीक है, अब ये पतला है। आते हैं फ्रंट पर, ये जिप पिप लगा के देख लीजिए। ओके ये आ रहा है बेस पर अच्छे से। अच्छा देखिए यहाँ पर जो मेरे से एक गड़बड़ी हो गई है वो ये हो गई है कि ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, हाँ ये थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, कम से कम यहाँ तक। वो क्यों सर? इतना लंबा होना चाहिए था कि ये जो ऊपर वाला है ना, हाँ ऊपर वाला इससे कवर हो जाए। ओके जैसे ऊपर वाला आ रहा है, हाँ ये यहाँ तक पहुँच गया जी। ठीक है तो नीचे वाली की लाइनिंग भी है यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ओ, अच्छा वैसे हाँ 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 ठीक है हाँ। तो इसलिए है क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर इसका आई बनाएंगे ना हाँ तो उसका लोहा पीछे की तरफ निकला रहेगा जी जी, वो कवर वो इससे कवर हो जाना चाहिए। हाँ 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 ठीक है। और ये मेरा फैब्रिक छोटा पड़ गया है तो खैर गलती हुई है लेकिन इससे पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, इसीलिए बता भी दिए। ओके ओके तो अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इसके नीचे कर देंगे। ठीक है अच्छा हाँ इस फैब्रिक के नीचे कर देंगे ताकि छिपा ही रहे, कमर में गड़े नहीं आगे इनकेस अगर हम इसको डाई वाई करके पहनना पड़ा, पहनने का दिल किया हमको। वो तो कैसे छिपा जाएगा सर? अभी वो आप कैसे लगाएंगे ताकि वो छिप जाए? दिखा रहे हैं
ये इसको बराबर करके बैठा दीजिए। हाँ जिप के तरफ ध्यान रखना है कि जिप खिंचा हुआ ना हो एकदम, ओके बिल्कुल इस लाइन, ये जो लाइन मारी हुई है उसी पर हम लोगों का सेट करके अच्छे से बैठा दीजिए। और पेंसिल ले लेते हैं, और पहला जो मार्किंग होगा ना वो बिल्कुल इसके एज पर होगा, वन ओके ब्लॉक या दो ब्लॉक दूर करके, ठीक है, पहली हाँ हुक। और दूसरा हुक इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, ये ओके फ्लाई के सेंटर पे। फ्लाई ठीक का सेंटर ये हुआ, इधर लगना है ना। ओके, ये फ्लाई का सेंटर फाइन। मतलब वो जे शेप जो फैब्रिक है, जे शेप हाँ, ये का जे सेंटर। शेप, इसी को फ्लाई कहते हैं, इसी के सेंटर पर, ठीक ओके समझ गए। है। ये दो मार्किंग दिख रही है आपको, हाँ दिख रही है सर। एक और हाँ ये दो। मेक श्योर ये आपका बिल्कुल सेंटर पर ही हो मार्किंग, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे ही हम लोगों को हुक लगाना है। अब ये है हुक, ओके। ये हुक वाला एरिया और ये उसके पीछे का ओके सपोर्ट, ठीक है। इसको इसमें देखिए, खाली इसको पकड़े हुए हैं, बाकी एरिया को नहीं पकड़े हैं, इसको इसमें घुसा देना है ओके आपको प्रेस करके। ध्यान रखना है कि आपका ये वाला एरिया ना इससे बाहर ना निकल जाए, इसी के हाँ अंदर अंदर हो। और ये पीछे की तरफ निकल जाएगा, इसका सारा लोहा। आई थिंक हम ये यूज किया हुआ लगा रहे हैं, इसीलिए नहीं लग रहा वो। हाँ, ये ठीक है, ये आसानी से घुस गया तुरंत। देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है ओके आपको, देखिए। हाँ दिख रहा है ओके ऐसा है ओके हाँ हाँ ओके, अब हाँ इसमें ये देखिए, ये इसको इस तीनों इसको होल में ऐसे घुसा देना है, ठीक ओके है। और अब ये जितना भी ये निकला हुआ है बाहर की तरफ ना, हुक्स वगैरह, उसको हम यू नो ओके दबाएंगे, अब मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, इसमें ठीक ऐसे फंसा देंगे, ठीक हाँ है। ये हो ठीक गया, ओके सही ओके सही ओके। हाँ हाँ चलो, एक और हम लोगों को यहाँ पे लगाना है, उसको भी लगा लेते हैं। चलिए, ये दोनों का दोनों हुक लग गया है, ये थोड़ा सा ये ना मारने की वजह से सट गया है, ये थोड़ा सा उखाड़ उठाना है, उठा के रखना है इसको, ओके। ये हो गया, अब इधर आ जाते हैं, इसको वापस से रखेंगे, लगा के रखिए और मार्क कर दीजिए कि ये जो अब हम लोगों का आई जो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा।
ठीक है, एक हो गया और ये दूसरा, ठीक है, ये दो हमका हमने पोजीशन मार्क कर लिया। ये तो सिंपल है, ये एक कहाँ करा, ये इस तरीके से हाँ, है, ये जानती हूँ, हाँ सर, हाँ इसको हम घुसा देंगे। इसको रखेंगे और इसके दोनों तरफ से ठीक है। ओके सर, अच्छा इस वाले को इसके अंदर ही से लगा दिया है ताकि ये छिप जाए और कमर पे गड़े नहीं, तो चुभे नहीं कमर पे। इस वाले को तो पूरा लेके लगा दे रहे हैं, ये दोनों हमारा लग के रेडी है। ओके, अब इसको सिलाई करनी है। याद ध्यान रखिए कि पीछे का जो फैब्रिक है ये पूरा कवर हो, कवर किया हुआ हो अलाउंस को, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पर से हम लोग सिलाई करना शुरू करेंगे। एक ब्लॉक ऊपर से कर रहे हैं हम लोग एकदम जोड़ के जड़ में भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि सिलाई दिखाई नहीं देगी। हाँ। बट वो थोड़ा सा हमको उसकी उसका प्रैक्टिस कम है क्योंकि उसके लिए नीचे वाला फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, और वो हमने किया नहीं है इसीलिए हम थोड़ा ऊपर से कर रहे हैं। दोनों ही प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई ऐसा okay. ऊपर वाली सिलाई अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, चलिए अभी कर देते हैं। इसको ऊपर से भी सिलाई करनी है। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे ऊपर में हम लोगों ने जितना फोल्ड करने का रखा था, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, चलिए एक सिलाई इसको ऐसे ही मार देते हैं हम लोग, फिर बाद में उसके ऊपर कीजिएगा। हाँ वो भी करना है, बताते हैं क्या करना है। अच्छा। ओके, ये ऊपर में हो गया, सेम इधर के साथ भी कर लेते हैं।
ऊपर की तरफ भी टाइम क्या हो रहा है बताइएगा। हाँ सर 20:46 मतलब 8:46। हाँ ओके okay. इसको हम लोगों को ये तय कर लेना है कि कितना नीचे हम लोगों को इसको लंबा रखना है, ठीक है। हाँ। उतना नीचे जा जा करके वहां पर सिलाई कर देंगे, समझा? नहीं समझ में आया? हाँ समझ गई सर। उसके बाद फोल्ड करके ऊपर की तरफ। अब ये ऐसे करके फोल्ड होगा। हाँ 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 अब इसको यूं फोल्ड कीजिए, यूं फोल्ड कीजिए। ये तो काफी बल्ज हो जाता है ना सर ये। हाँ हो तो जाता है, बट यही प्रोसेस है और कुछ कर नहीं सकते इसका। ये मशीन में सिलना मुश्किल हो जाता है ना सर ये मेरा जो। ना ना आपकी मशीन में हो सकता है मुश्किल हो जाए, ये तो हैवी ड्यूटी है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं मैं अपना मशीन के बारे में बता रही थी, उसमें तो मुश्किल होगा। एकदम खींच के नहीं करना है, थोड़ा सा लूज ही करना है। अच्छा अच्छा मेरी मशीन जो है वो आगे की तरफ चलती नहीं है, जब वो बल्ब ज्यादा होता है ना तो मुझे पुश करना होता है। हाँ प्लास्ट ये आप बताया था आपने ना, इसमें होता है तो ज्यादा हाँ। पावर नहीं हो पाता उसमें जी, ज्यादा मोटा फैब्रिक भी नहीं खींच पाती। हाँ देखिए सबको फिक्स कर दिया। चलिए सारा का सारा हो गया। अब देखिए जिस जिस के अंदर ये बड़ा बड़ा है ना, हाँ उसको काट के खत्म हटा देना। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हम सब नहीं काटेंगे। हाँ, नहीं, बता दिया आपको जिस जिस हाँ। के अंदर बड़ा बड़ा उसको काट के हटा देना है। अब इसको उलट करके सबसे पहला क्या करना है कि क्रॉच सिलना है, ठीक है। ओके। अब आप वेस्ट मार्क कर लीजिए अपना, हाँ
जो भी ट्राउजर का वेस्ट है जहाँ पर भी ख़त्म करना है, जैसे कि हम इसको 32 पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से यू नो फोल्ड से सेंटर फ्रंट से 16 लेना चाहते हैं। 16 तो बहुत कम हो जाएगा इसके लिए, तब हम नहीं दूसरे के पैटर्न से बना हुआ है। चलिए इसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं 20 पर, ठीक है। 40 की कमर की बनेगी, ठीक है। ओके यहाँ पर चलिए, तो ये यहाँ पर रख दिया और यहाँ से हम क्रॉच सिलना शुरू कर देंगे। ये वेस्ट वाला पार्ट है, हाँ। तो वेस्ट वाले पार्ट से ही शुरू करते हैं, वेस्ट मिलाते हुए। सर क्रॉच में कितना सीम अलाउंस हम दिए थे? क्रॉच में नीचे तो हाफ इंच है, तो नीचे हम हाफ इंच कर देंगे अभी ना, डायगोनल हाँ। जाएंगे ऐसे तिरछा जाएंगे, आप देखिए। ठीक है, पैंट में यही है कि अगर आपको कुछ लूज टाइट करना है पीछे में एक्स्ट्रा रखिए, वहीं से रिमूव कर दीजिए, वहीं से बढ़ा दीजिए घटा दीजिए जो करना है कीजिए। ओवरऑल बाकी फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए यहाँ पर आए और हम यहाँ पर हाफ इंच कर दिए, हाफ इंच, ठीक है, ये हो गया। ओके ये ऐसे फिनिश हो जाता है। अब इसका इनसीम कर ले हम लोग, इनसीम में इन दोनों को मिलाएंगे, ओके। दोनों के अलाउंस को एक के इस तरफ रखेंगे, एक के इस तरफ रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, हाँ। और जॉइंट मिलाएंगे ताकि बल्ज ज्यादा ना हो वहां पर। और यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई है, हाफ इंच पर सिलाई कर देंगे। क्या हुआ सर, मैच नहीं हुआ? मैच नहीं हो रहा था। कितना मैच नहीं होता है तो थोड़ा सा खींच खाच के अपना इसको मैनेज कर लेना चाहिए, हल्का फुल्का अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो। चलिए अब मैच कर गया, हम आज तक इस चीज को नहीं समझ पाए कि ऊपर नीचे क्यों हो क्यों जाता है ना। शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि ये ऊपर नीचे ना हुआ हो, हमेशा हो जाता है और हर किसी के ट्राउजर में हो जाता है ऑलमोस्ट। पता नहीं कहाँ से क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, आई हैव नो आइडिया, बट हल्का फुल्का ही होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत आप पुश पुल करके अपना सर वो जो ब्लाउज सिलते वक्त ना, तो जो पेपर कटिंग रख के जब कपड़े को कट करते हैं ना तो एग्जैक्ट आ ही जाता, मगर अगर कपड़े को रख के कपड़े को कट करते हैं ना तो वो अलाउंस वगैरह सब ज्यादा ही आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। हाँ। ये हो गया, अब ये वो वैसे ही फिनिश करेंगे इसका हेम, वो पीस लेके अलग सा जोड़ना वैसा ही वैसे ना, ना 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 इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2-2.5 इंच रखा है,
अच्छा हम तो लोग फोल्ड इसको करके ही हेम फोल्ड करेंगे करेंगे, सेल्फ फोल्ड करेंगे और हेमिंग ना। और हेमिंग। हाँ ओके सर, अभी आयरन देख लीजिए, आयरन इम्पोर्टेंट है। टाइम क्या हो रहा है वैसे बता दीजिए हमको। 5 मिनट और है सर 9 के लिए। हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा असल असल मेरा थोड़ा नमाज पढ़ने का टाइमिंग अच्छा अच्छा आजकल ऐसा हो गया ना। तो आप मॉस्क जाएंगे, मस्जिद जाएंगे? हाँ अच्छा जी जी मस्जिद जाएंगे। ये जो है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होकर के आयरन होगा और हेमिंग हो जाएगी, ओ, हेमिंग करना है। ठीक है। इतनी दूर हाँ हेमिंग हो जाएगी, बाकी तो ओवरलॉक होकर के ऐसे आयरन करके फोल्ड कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। बाकी ये हिस्सा इसमें हेमिंग हो जाएगी। ओके, और नीचे वाले, अच्छा उसमें हेमिंग नहीं है ना, बेल्ट वाले हिस्से पे? क्या बेल्ट बेल्ट वाले हिस्से पे ही हेमिंग होगा ना? वाले हिस्से पे हेमिंग होगी हाँ जी। अब देखिए इसका आयरन कैसे करना है। सबसे पहले इसके सीम्स को बैठाना इसका क्रीज बैठाना बस बता देते हैं हम। ये सीम और ये सीम मैच करना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे रखिए कि ये सीम और ये सीम एक दूसरे से मैच कर रहा हो। जब ये मैच कर जाएगा तो समझिए कि आपका ये जो है क्रीज लाइन पर आ गया, ओके ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सर, बस ये पैंट सेट में हो गया, प्लीट्स उसके बाद भी आप लगते क्या हैं ना? पैंट में प्लीट्स भी लगते हैं क्या? प्लीटेड पैंट पैंट, में प्लीट्स, प्लीट। प्लीट्स तो ऊपर में यहां पर दिया जाता है ना। आजकल कहाँ पैंट में फॉर्मल पैंट में प्लीट्स चलता है। पहले जमाने में होता था ना वैसे, पहले वो होता रश। था, पहले होता हाँ था, हम प्लीट्स डाल सकते थे उसी टाइम, पैटर्न बनाने के टाइम ही मार्क करना था, ठीक अच्छा, है। ये लीजिए, अच्छा ये पूरा आगे तक आयरन नहीं करेंगे, बस क्रॉच लेवल तक ही करेंगे या उससे 1-2 इंच ऊपर, ठीक है। ओके ओके। हम अभी फोल्ड नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा उसमें। ये देखिए अच्छे से बैठ गया। और बैक में भी आपको पूरा ऊपर तक आयरन नहीं करना है, बल्कि बस यहीं तक करना है, इतना ही दूर क्रीज करना है, बाकी ये विदाउट क्रीज रहेगा। ये ऐसे चला जाएगा इसके अंदर। यहां पर भी वही करेंगे कि दोनों का दोनों सीम्स लाइन मैच करनी चाहिए, एक ही लेवल पे आना चाहिए। इसको बैठा लीजिए अच्छे से, नीचे की तरफ ज्यादा नहीं खींचना है। देखिए इसमें मजे की बात है कि पुलिंग्स भी ज्यादा नहीं आ रही, अदरवाइज बहुत खिंचाव आ जाता है कभी कभी, तो हाँ हमारा पैटर्न ये इसका मतलब सही है। जी, और ये हमने इसको यहीं तक आयरन करना है, आगे तक नहीं करना है, खराब लगता है। यहाँ पर आयरन बहुत नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी क्लीन, अगर करना भी होता तो अलग से पहले करते, पर अभी ओके नहीं करेंगे, उससे बहुत चूर हो जाता है। अच्छा ये फैब्रिक जो यहाँ पे बल्ज हो रहा है ना, इसको हाँ खींचतान नहीं करना है, इसको यहीं पर बैठा के सेट करना है। ये यहीं पर सेट हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कीजिएगा, ये यहीं पर सेट हो जाएगा। सर, 9 बज गए सर। कोई बात नहीं, अभी बस 5 मिनट और है मेरे पास, आपको बता ही हो ही गया, कंप्लीट हो गया। ओके देखिए ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा था यहाँ पर, यहीं पर यूज़ हो गया, यहीं हाँ पर मतलब मिल गया, खो गया। ये हो गया आपका
फॉर्मल ट्राउजर, ठीक है, मेंस वेयर, यही होता है। यहाँ पर आयरन करने से चूर सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आयरन आपको बहुत ही हार्ड चाहिए होता है, क्वालिटी वाला, ताकि हाँ हाँ क्रीज लाइन। अच्छा, एक बार जो क्रीज लाइन बैठ गया सो बैठ गया, बार बार उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सर, ये जो पॉकेट में जो लाइनिंग लगती है ना, पॉकेट का जो कपड़ा, वो लाइनिंग वाला कपड़ा यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जितना पतला से पतला इस्तेमाल कीजिए बेहतर है। ओके ओके, ये लीजिए। अब ये हेमिंग हम नहीं बता रहे हैं, हेमिंग तो बस आपको ये एक बार हाफ इंच और एक इंच या 1.5 इंच जो भी है फोल्ड करना है, और फोल्ड करके अंदर बैठा देना है। हाँ, समझ गए तो सर। वो फोल्ड लाइन हमारे पास ऑलरेडी है, पैटर्न के हिसाब से मार्क किया हुआ है, बस उसको मार्क करके ऐसे आयरन कर दीजिए और उलट करके फिर इसको हेमिंग कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। ये हो गया, चलिए। आप आज के लिए सॉरी, हम थोड़ा पहले निकल रहे हैं, अभी एक हफ्ता थोड़ा सा हाँ कोई बात नहीं, अर्जेंसी रहेगी। जी जी तो ओके, डन। फिर आज के लिए काफी इतना, जी जी ये आज कंप्लीट हो गया हम लोगों का ट्राउजर, कल से फिर हम लोग किसी और चीज को देखते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।